अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ये जगह पे कई नाम है इसके, इसे हमें मटके की फली बोलती हैं। ये जो मटके की फली की बनाएंगे आज रेसिपी, तेल आपके हिसाब से ले लीजिए, वेजिटेबल ऑयल है। ये तेल गरम हो गया, मैं फाइनली चॉप करके रख ली हूँ। ये थोड़ा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, और ये थोड़ा जीरा डाल रही हूँ मैं। ये थोड़ा लाल होने देते हैं प्याज। ये देखिए थोड़ी नरम हो गई प्याज। अब ये लाल मिर्च अंदर ली, ये मिर्च का पाउडर भी, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। ये थोड़ी हल्दी डाल रही हूँ, और ये थोड़ा एक टीस्पून अदरक लहसुन डाल रही है। ये भी थोड़ा कच्ची बस जाने तक ये रखी, कल सर्व कर लेंगे। अभी ये चॉप किए हुए 3 टमाटर हैं, मैं प्याज भी इसमें मैं चॉप कर ली थी, टमाटर भी। मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छा नरम हो गए। इसमें मटन मसाला है, ये भी थोड़ा डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं ये थोड़ा दही डाल रही हूँ, ये आप क्रीम पनीर की जो भुर्जी होती है वो, काजू का पेस्ट कुछ भी डाल सकते हैं। ये मीडियम साइज के 2 आलू हैं, ये भी काट के ले लियो। ये अच्छा कलसनी हो गया, ये डाल रही हूँ। ये देखिए ये अच्छा हाई फ्लेम पे मैं 4 से 5 मिनट ये कलसनी कर ली थी। अब ये ज़रा ये पानी डाल रही हूँ। ये बर्तन में पका के भी हल्लू स्लो में आप दम दे सकते हैं, जब तक ये गल ना जाती है तब तक सब्ज़ी। और आप ये सीटी भी लगा सकते हैं कुकर का ढक्कन लगा के। ये मैं ढक्कन लगा के एक सीटी देती हूँ, तो स्लो मीडियम फ्लेम पे सीटी आने के बाद देखते हैं। अब ये खोल के देखते हैं, 1, 2 से 3 सीटी आ गई। इसमें जल्दी जल्दी सीटी आते हैं तो एक एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता है, छोटा कुक करना ये पैन टाइप का। तो ये देखिए, ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छी लगी तो हमें कमेंट कीजिए। ये देखिए तरकारी आलू सब गल गए। शेयर सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिए। ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।